सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नेता भारत सरकार के गृह मंत्री क्या अकेले यदि अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो इस मोदी की आंधी में हम तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसलिए सबने एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और कोई दूसरा में चले जाता हम पागल नहीं बैठे। इन लोगों को सरकार चलाते हुए भी छोड़कर भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत की तेजी के साथ फिर भी ये कहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। मेरे बहनों भाई, अपने दोस्तों को, यारों को, मोहल्ले वालों को, सबको मतदान के लिए जरूर लेकर जाए। जय हिंद, जय हमारे इस देश के अभूतपूर्व गृह मंत्री, हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार रहती है 2008 से लेकर 2014 तक केवल 25 लाख आवास बने, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों 1,30,00,000 मकान बनवाकर हम लोगों ने जनता के हवाले किए। सबने आवाज उठानी प्रारंभ कर दी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बहनों भाइयों, संकेत पूरी तरह से साफ है ना, चुनाव के पहले ईवीएम ठीक थी, पहले चरण का मतदान होते ही ईवीएम खराब हो गई। यानी बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है, इस देश में 2019 में भी स्पष्ट बहुमत के साथ यदि सरकार किसी भी बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कल मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को एक ही मंच पर बैठे हुए मैंने देखा, अभूतपूर्व दृश्य जिसकी मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह तीनों, दो उसमें से समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री साथ बैठे हैं, यह बात तो समझ आती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भी नेता जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हो गए और उनके शामिल हो गए। यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।